हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज ये वीडियो में बात करेंगे रतन टाटा जी का जो न्यू इन्वेस्टमेंट है एक स्टार्टअप कंपनी में गुड फेलोज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी न्यूज़ में है अभी क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट से ये कंपनी बन रहा है और उसका जो फाउंडर है शांतनु नायडू, वो भी रतन टाटा फाउंडेशन का एक जनरल मैनेजर के हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये कंपनी का काम क्या रहेगा, ये कंपनी का मेन काम जो होगा वो एल्डर मतलब जो ओल्ड एज लोगों को असिस्ट करेगा अपना लोनलीनेस के लिए, या कोई भी उनको केयर करेगा। बेसिकली ये कंपनी का मेन काम होगा कि ओल्ड एज लोगों का को केयर करना, उनका उनको थोड़ा कभी ज़रूरत हो गई तो हो गया तो मेडिकल लेके जाना, या उनको कुछ रिक्रिएशन उनका टाइम जैसे बोर हो रहे हैं तो उनको कुछ एक्टिविटी कराना या बिजी रखना थोड़ा। तो वो थोड़ा मतलब आजकल क्या हो रहा है ना, लोग जो हस्बैंड वाइफ है उनका अकेले रह रहे हैं, बेटा बेटी अपना जॉब के लिए बाहर चले जा रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग लोनली। और ये धीरे धीरे काफ़ी ये परसेंटेज काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और काफ़ी लोनली हो जा रहे हैं लोग क्योंकि, और स्ट्रेस में भी आ जा रहे हैं ओल्ड एज में। तो ये कंपनी का काम ये होगा कि ये ग्रेजुएट्स और जो लोग इस कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं उस टाइप का यंग ग्रेजुएट्स को हायर कर रहे हैं और दे विल प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द एल्डरली पीपल। और वो एल्डरली पीपल ये कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, कुछ चार्जेस भी रहेगा। तो ये लोग जाके टाइम टू टाइम विजिट करके उन लोगों का बेसिकली ख्याल रखेंगे या उन लोगों का केयर करेंगे, यही है कंपनी का मोटो। तो ये इतना अभी ये कॉन्सेप्ट पे क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो इंडिया पहले इतना मतलब इतना जो लोग लोनली नहीं बन रहे थे, अभी इतना लोग लोनली क्यों बन रहे हैं अभी, क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे चला जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, दादा दादी या आपका जो पापा का दूसरा रिश्तेदार मतलब भाई, ये सब मिलके एक न्यूक्लियर फैमिली पे रहते थे, ठीक है, नाना नानी ये सब मिलके एक न्यूक्लियर फैमिली पे रहते थे। तो उसमें क्या है ना, सपोज आपका बेटा बेटी बाहर चले गए तो आपका जो भाई का बेटा बेटी वो लोग आपका केयर करते थे, एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहते थे और सब मिलजुल के रहते थे। तब बोरिंग ये लोनली जो वर्ड आ रहा है ना आजकल, और इसके लिए जो कंपनी बन रहा है तो वो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए अभी जो मेन रीजन है सब सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। सब मीन्स पीपल आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सब अपना अपना हिसाब से रह रहे हैं। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर एज तो आपके साथ बात करने के लिए लोग नहीं मिलता है, आपके साथ कुछ आप एक्टिविटी या कुछ आप दिन भर क्या करेंगे बैठ बैठ के, आपके पास कुछ काम नहीं होगा, बात करने के लिए लोग नहीं होंगे और आपका एज भी इतना नहीं है कि आप चले जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो इस एज में एक पर्टिकुलरली एक स्ट्रेसफुल बन रहा है और लोनलीनेस बढ़ जा रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा समस्या धीरे धीरे बन जा रहा है और काफ़ी पेनफुल भी है, इमोशनली भी पेनफुल है। तो हम यही कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि जितना भी हम असिस्ट कर सकते हैं हमारा फैमिली मेंबर्स से, जितना भी हम ओल्ड पीपल है उन लोग को जितना लव रेस्पेक्ट दे सकते हैं वो देना चाहिए, क्योंकि हम भी वो टाइम पे, हमारा भी वो टाइम आएगा और हम भी वो मतलब हम ये एक कल्चर धीरे धीरे भूल जाएंगे तो हम भी और उससे इससे बुरा हालत होगा। अभी जो भी थोड़ा उन लोगों को असिस्टेंस मिल रहा है एटलीस्ट बेटा बेटी जाकर थोड़ा देख के आ रहे हैं ये, और एक नेक्स्ट जनरेशन हम इसको केयर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन और भी बुरा हालत होगा। मतलब हम यू विल बी फुल्ली सेपरेटेड फ्रॉम योर सन एंड डॉटर, दे विल लिव देयर ऑन लाइफ, यू विल लिव योर ऑन लाइफ। ये हो रहा है पर अभी थोड़ा बहुत है इंडिया में,
बाहर तो सेपरेट ये सब बहुत पहले से ही है, और उधर लॉन्लीनेस और ज़्यादा है आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कंपनी का स्टार्टअप हुआ है, और रतन टाटा उसका इन्वेस्टमेंट किए है ये कंपनी स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप अपने जगह पे ठीक है, क्योंकि ये दे विल दे हैव थॉट ऑफ ए यूनिक आइडिया, एक यूनिक प्लान सोचे हैं, और बहुत लोगों का हेल्प भी होगा इससे, राइट। लेकिन जो जिस लोग इसको एफोर्ड नहीं कर, पता नहीं कितना चार्जेस रखेंगे लोग, लेकिन जो लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत गरीब लोग भी है, तो उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों का क्या समस्या है, लोग कैसे समाधान करेंगे, या उसको एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन लोग काम करेंगे, वो भी एक बड़ा चीज़ है। लेकिन हम अपने हिसाब से जितना पॉसिबल है हमें करना चाहिए, और हम प्यार से बात करना चाहिए बड़ों, मतलब जो ओल्ड लोग हैं, और उनका जितना भी पॉसिबल है उन लोगों को हम ये थोड़ा लॉ ऑफ रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, या उनको उनको एक उनका कुछ भी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज होगा। क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि वो लोनलीनेस कितना बड़ा एक बड़ा चीज है, और कितना डिप्रेशन में ले लेता है लोगों को, और वो एज जब आपका बॉडी में स्ट्रेंथ ना हो तो और भी वो बहुत पेनफुल होता है। तो वी होप दैट ये कंपनी बहुत अच्छा करेगा, और लोग उसका सर्विसेज भी लेंगे, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग सर्विस चार्ज कितना रख रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये कंपनी को सोचना चाहिए, वही हम लोग भी उम्मीद करेंगे। और लेट्स सी हाउ द कंपनी इज डूइंग एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द ओल्डेस्ट पीपल। वी आर होपफुल दैट इट विल डू द गुड टू फॉर द सोसाइटी, क्योंकि रतन टाटा उसका बैकअप में है, उन इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग समथिंग गुड विल हैपन, सम गुड आउटपुट विल कम, राइट। तो ये था गुड फेलोज का काम और गुड फेलो का कॉन्सेप्ट, राइट। और हम अपना हिसाब से भी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, एल्डरली लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत जल्दी धीरे धीरे वो एज आ जाएगा। तो आज इधर ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।